लेकिन एक चीज साफ दिखती है मोदी जी कि आपको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। एक फकीरी है आपके स्वभाव में, ये कहां से आई? क्या आप हमेशा से ऐसे ही थे या धीरे 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 फकीरी आती चली गई? ये बहुत ही पर्सनल नेचर का सवाल है। नहीं मोदी जी, ये जरूरी सवाल है। ऐसा है कि मुझे मेरी कविता के शब्द बहुत याद रहते नहीं। आपने कविता में कहा भी है कहीं तो फकीरी के का जिक्र किया है। बहुत पुरानी मेरी एक, अगर अगर मैं आपसे ये आग्रह कर सकूं कि अगर एक दो लाइन मुझे बता दें। मेरी कठिनाई है, राती में आपकी कविता मुझे पता है। मुझे याद नहीं रहती है कविता, इसलिए मैं कह नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं सोशल मीडिया में मेरी उस कविता को डाल दूंगा। जी जरूर डालिए, क्योंकि मुझे याद नहीं है तो मैं, लेकिन वो गुजराती में है और रमता राम अकेला करके मैंने उस शब्दों को, मेरे भावों को व्यक्त किया है। देखिए, मैं समझता हूं कि ये फकीरी वगैरह जो है ये मन की अवस्था से जुड़ा हुआ विषय है और वो इंजेक्ट करने से नहीं आती है, हालात उसको पैदा नहीं करते हैं। अगर वो इनबिल्ट होता है तब जाकर के होता है। और शायद मैं कोई अपनी तारीफ करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मुझे क्षमा करना, लेकिन प्रसून जी ने सवाल पूछा है, मैं जवाब न दूं तो ठीक नहीं लगेगा। जब मैं गुजरात में था मुख्यमंत्री के नाते, तो सार्वजनिक समारंभ में जाता था तो लोग भेंट सौगात देते हैं, बढ़िया सा शॉल देते हैं, कभी कोई चांदी की तलवार दे देता है, कोई अच्छा अच्छा ताजमहल दे देता है, कुछ ना कुछ देते रहते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया पेंटिंग देते हैं। तो मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन करता है यार ये बहुत बढ़िया पेंटिंग इस घर में, इस दीवार पे लगाऊंगा, मेहमान आएंगे तो अच्छा लगेगा, ये बढ़िया से मूर्ति दी है यहाँ रखूंगा तो बहुत अच्छा, मेरा भी मन कर, आपका भी मन करेगा, करेगा या नहीं करेगा? मेरा मन नहीं करता था। और मैं ये सारी चीजें सरकार का जो ट्रेजरी होता है, तोशा खाना बोलते हैं, उसमें डाल देता था। वो भी बड़े तंग आ गए कि ऐसा क्या सब्जी से आप बारिया भेज देते हो? मैं कहा रखूंगा भाई, मेरे कौन संभालेगा इन चीजों को, कोई उसके लिए किसी को रखना पड़ेगा मुझे, मैं दे देता था। फिर मैं उसका वैल्यूएशन करवाने लगा, फिर मैंने उसका ऑक्शन करवाना शुरू किया। हम लोग जानते हैं हिंदुस्तान में राजनेताओं के साथ ऐसी बातें सब सच होती है, सभी मैं नहीं कहता हूं, सब झूठ होती है, ये भी मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये तो होता है कि यार वो फलाना था इतना ले गया। लेकिन मैं गर्व से कहता हूं कि जब मैंने गुजरात छोड़ा था तो ये जो मुझे मिलती थी चीजें, मैं उसका लगातार ऑक्शन करता था पब्लिक में, और ऑक्शन करके उससे जो पैसा आता था वो मैं गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए सरकार में डोनेट कर देता था। और करीब करीब 100 करोड़ से ज्यादा रुपये ऑक्शन से, और फिर लोग मुझे चेक भी देने लगे, किसी फंक्शन में जाता था तो चीज देने के बजाय गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए चेक देने लगे। ये अमाउंट करीब करीब 100 करोड़ से ज्यादा थी जो मैं बच्चियों की शिक्षा के लिए देके कर रहा। जब मैं मुख्यमंत्री से निकल करके दिल्ली आना तय हो गया, आप लोगों ने मुझे धक्का मार दिया, तो मैंने मेरे अफसर जो थे उनको बुलाया, मैंने कहा भाई ये जो मैं एमएलए के नाते कमाता था, क्योंकि एमएलए के नाते पैसे मिलते थे, मैंने कहा पैसे पड़े हैं क्या करेंगे हम लोग, मैं कहाँ ले जाऊंगा? आप हैरान होंगे सुनकर के, मुझे अभी याद नहीं है, शायद 5-6 लाख रुपया था। मैंने कहा भाई मैं तो कोई
सरकार में दे देना चाहता हूं। और मैंने कहा मेरी इच्छा ये है कि गांधीनगर के सचिवालय में जो ड्राइवर और प्यून है उनके लिए मैं अमाउंट छोड़ दूं, आपको इसका व्यवस्था कर दीजिए और उसके ब्याज में से ये ड्राइवर और उनके प्यून के बच्चों को कुछ न कुछ मदद मिलती रहे, वो पढ़ते रहे, इसी व्यवस्था कीजिए। तो मेरे जो अफसर थे सुन रहे थे मुझे, कुछ बोले नहीं। वो अफसर बड़े कुशल होते हैं, मुंडी ऐसे से हला रहे थे। मैं भी सोच रहा था कि मेरी बात मान ली, कुछ करेंगे। दो दिन के बाद उनका साहब हम जरा घर में मिलने आना चाहते हैं। मैंने कहा आई जाइए, क्योंकि मुझे जाने की तैयारी कर रहा था। उन्होंने कहा साहब आप ऐसा मत कीजिए, पता नहीं कब आपको पैसों की जरूरत पड़ जाए और आपके पास कुछ है नहीं। मेरे अफसरों ने मुझे वो पैसे देने नहीं दिए। तो मैंने कहा यार कम से कम मैं तो क्या करूंगा इसे ले जाकर। आखिरकार वो बहुत समझाने पर मान गए और सारे पैसे तो मेरे उन्होंने लेने से मना कर दिया, लेकिन एक छोटा सा फाउंडेशन बनाया और मुझे याद नहीं आज शायद 21,000 रुपया इतना कुछ शायद उसमें मैं दे करके इन गरीब लोगों के लिए दे करके निकल गया। शायद मेरी जिंदगी ही मैं ऐसी अभाव में पैदा हुआ हूं, इसलिए मुझ पर किसी चीज का प्रभाव नहीं होता है। और ये फकीरी वगैरह है वो तो शब्द बड़े हैं, लेकिन मैं औलिया हूं, ये मेरा कोई लेना देना नहीं। बस वही है सर फकीरी, उसी का हम जो हमसे जिक्र कर रहे थे। नहीं आपने वो हर चीज में परिलक्षित होती है।